नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सनातन धर्म में पूजा अनुष्ठान में पान का इतना महत्व क्यों है, सभी देवी देवताओं को पान क्यों चढ़ाया जाता है, पूजा में पान क्यों अनिवार्य है। हिंदू धर्म में पान के पत्ते का विशेष महत्व है। किसी भी पूजा अनुष्ठान में पान का पत्ता रखना शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार केवल एक ही पान के पत्ते में संपूर्ण संसार के देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इसे पूजा सामग्री में रखना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से पर इंद्र और शुक्र देवता विराजमान है, मध्य हिस्से में माँ सरस्वती का वास है तथा माँ लक्ष्मी इस पत्ते के ठीक नीचे वाले हिस्से पर बैठी हैं, जो अंत में त्रिकोण आकार लेता है। इसके अलावा ज्येष्ठा लक्ष्मी पान के पत्ते के जुड़े हुए भाग पर बैठी हैं, यह वह भाग है जो पत्ते के दो हिस्सों को एक नली से जोड़ता है। विश्व के पालनहार भगवान शिव पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं। भगवान शिव और कामदेव जी का स्थान इस पत्ते के बाहरी हिस्से पर है। माँ पार्वती एवं मंगल्या देवी पान के पत्ते के बाईं ओर रहती हैं तथा भूमि देवी पत्ते के दाहिनी ओर विराजमान है। अंत में भगवान सूर्य नारायण पान के पत्ते के सभी जगह उपस्थित होते हैं। पान हवन पूजा की महत्वपूर्ण सामग्री है। हिंदू धर्म में विशेष माने जाने वाले स्कंद पुराण में भी पान के पत्ते का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था, तभी से पान का प्रयोग पूजा पाठ में अनुष्ठान में किया जाने लगा। पान से संबंधित कुछ टोटके हैं जो कि करके आप अपने काम बना सकते हैं। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को अच्छे से बनाया हुआ बीड़ा अर्पित किया जाए तो सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। बीड़ा अर्पित करने का अर्थ यह है कि अब से हनुमान जी आपका बीड़ा उठाएंगे। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान चढ़ाएं। इस दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके तेल और घी का दीपक जलाएं और विधिवत पूजन कर पुआ मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा गुलकंद सौंफ आदि मुख की शुद्धि की चीज़ें लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इस पान में केवल ये 5 चीज़ें डलवाएं: कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी। पान बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें चूना एवं सुपारी नहीं हो। साथ ही यह पान तंबाकू लगे हाथ से नहीं बनना चाहिए, स्वच्छ हाथों से बनना चाहिए। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद यह पान हनुमान जी को अर्पित करें और साथ ही प्रार्थना करते हुए कहें, हे हनुमान जी, आपको मैं यह मीठा भरा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह आप मेरा जीवन भी रसीला कर दीजिए, मिठास से भर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। पान का दान तंबूल अर्थात पान होता है। पान का दान करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाता है, जबकि पान खाने से पाप नष्ट होता है। पान खाने से पाप होता है, वह पान दान करने से नष्ट हो जाता है। नज़र दोष: पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसीलिए नज़र लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर खिलाएं। भगवान शिव को अर्पित करें विशेष पान। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को पान भी अर्पित किया जाता है। सावन माह में अगर भगवान शिव को विशेष पान अर्पित किया जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस विशेष पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपे का बूरा और सुमन कतरी हुई डली होती है। महादेव का पूजन कर नैवेद्य के पश्चात उनको पान अर्पण करें। बिक्री बढ़ाने का उपाय: यदि आपको लगता है किसी तांत्रिक क्रिया द्वारा आपकी दुकान बांध दी गई है तो आप शनिवार प्रातः 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरोकर दुकान में पूर्व की ओर बांध दें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपकी बिक्री बढ़ेगी। सुबह स्नान कर घर के देवालय या श्री गणेश मंदिर में जाकर मूर्ति के समक्ष एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे चावल से स्वास्तिक बनाएं। अब उस कलावे यानी लाल नाड़ी में
एक सुपारी लपेट कर रखे या श्री गणेश स्वरूप मानी जाती है। इस सुपारी की पूजा अच्छे से करेंगे तो मंगल होगा, रुके हुए काम शुरू होंगे यदि आप ऐसा करते हैं तो। यदि आप रविवार को एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके रुके हुए सभी कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। होने वाले जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तांबूल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिसकर तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। होली के दिन का उपाय, घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में देसी घी में भिगोई हुई दो लौंग, एक बतासा, एक पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद होली की 11 परिक्रमा करते हुए सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। पति प्रेम हेतु, शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में एक पत्ता पान का लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें, फिर दुर्गा माता जी के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पान का पत्ता रोज नया लें, रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें, 43 दिन बाद उन पान के पत्तों को जल प्रवाहित कर दें। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था का तिलक अपने माथे पर लगाकर पति के सामने जाएं तो इस उपाय से पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा। पान खाने के बाद मुंह का जायका बनाए रखने के लिए पान खाया जाता है। कई बीमारियों के उपचार में पान का इस्तेमाल लाभप्रद है। पान के शौकीन तो दिन में 10-15 पान चबा जाते हैं, एक बार भी मुंह नहीं खाली रहता। पान में 10 ग्राम कपूर को लेकर दिन में 3-4 बार चबाने से पायरिया की शिकायत दूर होती है। इसके इस्तेमाल में एक सावधानी रखना जरूरी, पान की पीक पेट में न जमने पाए। चोट लगने पर पान को गर्म करके परत करके चोट वाली जगह पर बांध लेना चाहिए, इससे कुछ ही घंटों में दर्द दूर हो जाता है। खांसी आती हो तो गर्म हल्दी को पान में लपेट कर चबाएं। यदि खांसी रात में बढ़ जाती है तो हल्दी की जगह इसमें अजवाइन डालकर चबाना चाहिए। यदि किडनी खराब हो तो पान का इस्तेमाल बगैर कुछ मिलाए करना चाहिए। जलने या छाले पड़ने पर पान के रस को गर्म करके लगाने से छाले ठीक होते हैं। पीलिया, ज्वर, कब्ज में भी पान का इस्तेमाल बहुत लाभप्रद होता है। जुकाम होने पर पान में लौंग डालकर खाने से जुकाम जल्दी कट जाता है। श्वास नली की बीमारियों में भी पान का इस्तेमाल अत्यंत कारगर है। इसमें पान का तेल गर्म करके सीने पर लगातार एक हफ्ते तक लगाना चाहिए। पान में पकी सुपारी और मुलेठी डालकर खाने से मन पर अच्छा असर पड़ता है। ये तो हमारे देश में कई तरह के पान मिलते हैं, इनमें मगही, बनारसी, गंगा तीरी, देशी पान दवाइयों के रूप में ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। भूख बढ़ाने, प्यास बुझाने, मसूड़ों की समस्या से निजात पाने में बनारसी देसी पान फायदेमंद साबित होते हैं। पान का अत्यधिक प्रयोग मुंह के कैंसर का कारण हो सकता है। यहाँ सिर्फ पान के औषधीय महत्व के विषय में जानकारी दी गई है। पीलिया का घरेलू उपचार, एक न खाने का बंगला पान खाने में चरपरा तीखा लगता है, लेकर इस पान को चूना और कत्था लगाएं। अब इस पान को अकौना यानी मदार जामनी फूल वाला का दूध 3-4 बूंद डालकर खा लें प्रातः खाली पेट, इससे पीलिया ठीक हो जाता है। यदि आँख की सफ़ेद पुतली ऊपरी आधी चौड़ाई सतह ही पीली हुई तो यह 3 दिन पान खाने पर पीलिया ठीक हो जाता है। पूरी सफ़ेद पुतली होने पर ठीक होने के लिए 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन दवाओं का प्रयोग सावधानी से करें, उचित मात्रा में करें। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।